डीडी किसान में आपका स्वागत है। हेलो किसान लेकर हाजिर हूं मैं निमिष कपूर। जैसा आप जानते हैं, हेलो किसान कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं नए नए विषय और आपके प्रश्नों जिज्ञासाओं के समाधान करवाते हैं हमारे मेहमान वैज्ञानिकों से। और आज हेलो किसान में जो विषय हम जिन विषयों पर हम चर्चा करेंगे वो विषय हैं अरहर सोयाबीन एवं दलहनी फसलों की खेती और अनार की खेती जी। और इन विषयों से जुड़े तमाम सवाल, आपकी जिज्ञासाएं, आपके प्रश्न आप सीधे स्टूडियो में फोन करके पूछ सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113-060 और 1800-113-061। इन नंबरों पर फोन करके सीधे आप कनेक्ट होते हैं स्टूडियो से और आपके सवालों को हम शामिल करते हैं हेलो किसान कार्यक्रम में। और हमें आपके तमाम प्रश्नों का इंतजार रहेगा, लेकिन उससे पहले हम आपको आज के हमारे अतिथियों से आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ आज उपस्थित हैं डॉक्टर आर एस बाना साहब। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं शस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अक्त सिंह। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में। डॉक्टर अक्त सिंह आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा आरंभ करें उससे पहले डॉक्टर आर एस बाना जी, हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि दलहनी फसलों पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, खरीफ में का ये मौसम है, तो उस समय हमारे किसान भाइयों को किस तरह की फसलों की तैयारी करनी चाहिए इस मौसम में? खरीफ के मौसम में अगर हम दलहन वर्गीय फसलों की बात करें तो सबसे पहले हमको अरहर की फसल का आता है और मध्य भारत की अगर हम बात करें तो सोयाबीन प्रमुख दलहन वर्गीय फसल है, जिसका तेल के उत्पादन में काफी बड़ा देश की अर्थव्यवस्था में योगदान है। इसके अतिरिक्त जो दलहन वर्गीय फसलें हैं उनमें है मूंग है, उड़द है, लोबिया है और ग्वार है, जिनका काफी अधिक क्षेत्र में विस्तार है और खरीफ के मौसम में किसानों के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर इनकी जो भारतीय अर्थव्यवस्था में हम बात करें तो जो आर्थिक फायदा है वो तो है, साथ ही जो दलहन वर्गीय फसलों का यदि हम फसल प्रणालियों में समावेश करते हैं तो हमारी जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं वो होता है और जो मिट्टी है जी उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है, क्योंकि दलहनी फसलों में जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको योगीकरण करने की क्षमता होती है और जो ज्यादातर दलहन वर्गीय फसलें हैं वो कम अवधि की फसलें होती है तो ये कम पानी चाहती है और कम समय में पक जाती है, जिससे क्या होता है कि जो रबी की हमारी फसलें हैं उनकी समय पर बुआई संभव हो पाती है। आज तक तो अरहर की भी, क्योंकि पहले अरहर की काफी लंबी अवधि वाली किस्में होती थी जी, तो अरहर की भी कम अवधि वाली किस्में हैं और उसमें समय पर गेहूं की फसल की बुआई करना संभव है। ये प्रमुख दलहन वर्गीय फसलें हैं जिनको खरीफ में हम लगाकर जी जी। डॉक्टर साहब, अरहर और सोयाबीन दलहनी फसलों की खेती से जुड़ा ये खास पैकेज हम यहाँ पर देख लेते हैं।
और दलहनी फसलों की इस विशेष रिपोर्ट के बाद हम बात करते हैं अनार की खेती से जुड़ी हुई और उसके लिए डॉक्टर अख्त सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, जो अनार की खेती की तैयारी हमारे किसान कर रहे हैं उसमें किन सावधानियों की जरूरत खास तौर पर इस समय आवश्यक आपको प्रतीत होती है? जी, पहले तो मैं डीडी किसान के सभी दर्शकों को और हमारे किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। और जैसा अगर ये बहुत खुशी की बात है कि आज अगर देखें तो भारत जो है अपने विश्व में प्रथम स्थान पर अनार उत्पादन में, और उसका एक प्रमुख कारण है कि इसमें बहुत अच्छी आमदनी है और बहुत कम समय में अच्छी आमदनी होती है, जिससे कि किसानों का रुझान अनार की खेती के प्रति काफी बढ़ रहा है और बहुत कम समय में बहुत लंबे उसमें एरिया में अनार की खेती हो रही है जी। लेकिन जो भी किसान भाई अभी अनार की खेती करना शुरू करना चाहते हैं उनके लिए मैं कुछ दो चार जो सावधानियां हैं, जो प्रमुख बातें हैं उसको ध्यान में रखना जो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुवर्षीय फसल है, एक बार उसकी अच्छी तैयारी करने के बाद आगे चल के कोई समस्या न हो उसके लिए शुरू में सावधानी रखना बहुत जरूरी है। इसमें जो पहला सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप मिट्टी का जो स्थान का चयन है वो बहुत जरूरी है, और वहाँ पे देखना चाहिए कि कम से कम मृदा जो मिट्टी की गहराई है 1 मीटर के आसपास हो। दूसरा है खेती करने से पहले शुरू करने, क्योंकि इसमें सिंचाई की आवश्यकता आपको लगातार बनी रहेगी, तो मिट्टी और पानी की गुणवत्ता की जांच बहुत जरूरी है। जैसा कि अपने को पता है कि अनार की खेती 6 से 8 ईसी तक के पानी में, जो लवणीय पानी क्षारीय पानी है उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पानी की गुणवत्ता की जांच बहुत जरूरी है। दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख पॉइंट है कि जो पौधे किस्म का चुनाव है तथा तो पौधे की गुणवत्ता का चुनाव जी वो बहुत जरूरी है। हमेशा ये सलाह दी जाती है कि आप जो भी रिलायबल नर्सरी हो, सर्टिफाइड नर्सरी हो, या जो ICAR के इंस्टीट्यूट है अपने यूनिवर्सिटी है जी, वहां से पौधों को लिया जाए। दूसरा जैसे टिशू कल्चर प्लांट, आजकल अनार की खेती में ज्यादातर पौधे जो है टिशू कल्चर में लगाए जा रहे हैं जी। डॉक्टर साहब, हम टिशू कल्चर और अनार की खेती से जुड़ी हुई तमाम बातें हम आगे भी जारी रखेंगे, फिलहाल देख लेते हैं अनार की खेती से जुड़ी हुई ये खास रिपोर्ट जी।
जी, और अनार से जुड़ी, इस अनार की खेती से जुड़ी इस खास रिपोर्ट के बाद हम फिर रुख करेंगे डॉक्टर अक्ष सिंह साहब का, जो इस रिपोर्ट से पहले चर्चा कर रहे थे टिश्यू कल्चर के ऊपर, अनार के पौधे में टिश्यू कल्चर, जो एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है और इस तकनीक से बहुत बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। कांच के बर्तन में परख नली में किस तरह से पौधे के छोटे से जीवित भाग को डाला जाता है, प्रयोगशाला में ऑपरेशन थिएटर की तरह उसका माहौल होता है जहां पर नमी, आर्द्रता, तापमान सब कुछ मेंटेन रहता है, और वहां से ये टिश्यू कल्चर का पौधा जो है कई सारे पौधों को जन्म देता है। तो एक टेस्ट ट्यूब पौधे से कैसे किसान ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं डॉक्टर साहब, ये हम आपसे आसान शब्दों में और विस्तार से जानना चाहेंगे। टिश्यू कल्चर जैसे आप जो बात कर रहे हैं, इसमें जो पौधे की एक सेल से लेके परख नली के साथ बोल रहे हैं कि अलग अलग मीडिया में इसको ग्रो किया जाता है, और इससे सबसे बड़ा फायदा है कि यह डिजीज फ्री होता है और बहुत कम समय में जो टू टू टाइप प्लांट करने का मतलब जिस पौधे की गुणवत्ता के हिसाब से आपने पौधे तैयार किया है उसकी हूबहू गुणवत्ता इसमें ट्रांसफर होती है और कम समय में बहुत ज्यादा पौधे तैयार किए जाते हैं। लेकिन जैसा मैं पहले अभी चर्चा कर रहा था कि इसमें किसान भाइयों को हमेशा ध्यान ये रखना चाहिए कि जो टिश्यू कल्चर में परख नली या लैब से जो फील्ड में आती है उस समय कम से कम 3-4 महीने प्रॉपर हार्डनिंग के बाद पौधों को ही फील्ड में लगाना चाहिए, अदरवाइज पौधे फील्ड में जाने के बाद काफी पौधे मरते हैं, वो किसानों की बहुत बड़ा नुकसान होता है। दूसरा जैसे मैं कर रहा था कि जो किसान भाई अभी तैयारी कर रहे हैं उसमें पिक प्रिपरेशन का बहुत बड़ा रोल है, खास करके जो भी बहुवर्षीय फसलें हैं उसमें लगभग 15 से 20 दिन पहले अपने गड्ढे की तैयारी शुरू करें और उसमें बाकायदे काफी अच्छी मात्रा में जो भी प्री प्लांटिंग मटेरियल है प्लस आपको जैसे ट्राइकोडर्मा है, अलग अलग बायो फॉर्मुलेशन है, कम्पोस्ट खाद है, इन सबका उचित मात्रा में जैसे आपको 15 किलो के आसपास या 25 ग्राम के ट्राइकोडर्मा, पेसिलोमाइसिस, इन सबको मिलाने के बाद पौधे को लगाना चाहिए। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पौधे ज्यादातर बाहर से आ रहे हैं उनको लगाने से पहले डिस इन्फेक्ट करना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब उनको लगाने से पहले जैसे बेवेस्टीन है या कॉपर एथिक्लोराइड है उनका स्प्रे करें, क्योंकि कई बार होता है कि बहुत सारी डिजीज या बीमारियां जो है वो पौधे के साथ अपने एक इलाके से दूसरे इलाके में आती है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको डिस इन्फेक्ट करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, जो टिश्यू कल्चर की पौध है ये इसलिए भी दिलचस्प विषय लगता है क्योंकि ऐसे कई किसानों को हम जानते हैं जिन्होंने टिश्यू कल्चर की पौध अपने खेत में लगाई और वो एक बेहतर उत्पादन कर रहे हैं और कई गुना ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। तो ये मैं जानना चाहूंगा कि ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर की जो पौध है वो अनार के मामले में किसानों को कहां से प्राप्त होगी? देखिए, जैसे अभी टिश्यू कल्चर का एक काफी मास प्रोडक्शन हमारा अनार का एक अलग से अनुसंधान केंद्र है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कॉमन में, जो कि सोलापुर में स्थित है, उन्होंने पूरा उसका प्रोटोकॉल डेवलप करके अलग अलग जो कंपनी से हमको दे रखे हैं जी। और आज की डेट में बहुत सारी कंपनी से कैडिला है, जैन इरिगेशन जी हम वहां से खरीद सकते हैं। तो ये सारी कंपनियों की जानकारी जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र से भी जो है किसानों को मिल सकती है। और ये पौध लगभग कितनी कीमत की होती होंगी, ये भी यहाँ पर एक विषय हो सकता है किसानों को बताने का। ये क्या है, अलग अलग स्टेट के अपने सब्सिडी भी किसानों को दी जाती है, क्योंकि स्टेट वाइज वेरी कर सकता है, लेकिन ये 25 से 40 रुपए पर प्रति पौध के हिसाब से अलग अलग स्टेट में मिलती है जी। और अब हम बात करेंगे दलहनी फसलों पर डॉक्टर बाना साहब से। जो रिपोर्ट हमने देखी दलहनी फसलों की और जो अरहर और सोयाबीन की हम बात कर रहे हैं, तो क्या डॉक्टर साहब ऐसी कुछ दलहनी किस्में हैं जिनकी बुआई हम अभी कर सकते हैं? दलहनी वर्गीय फसलों में अरहर की हम बात करें तो अरहर की वैसे बुआई का जो उचित समय है वो जून का महीना है, परंतु चूंकि अभी जुलाई शुरुआती अवस्था है और जुलाई के मध्य तक भी हमारे पास ऐसी किस्में मौजूद है जो कम अवधि की है, 120 से 125 दिन में 130 दिन तक पक जाती है, तो उनमें नाम आती है पूसा अरहर 16 है, किसी पूसा संस्थान ने विकसित करी है हाल ही में, तो वो 125 दिन में 130 दिन तक पक कर तैयार हो जाती है, तो उसकी बुआई आप अभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा पूसा 991 है, पूसा 992 है, ये किस्में भी कम अवधि की किस्में हैं, ये भी 150 दिन से कम में पक जाती है, 130-140 दिन तक पक जाती है, तो इनको अभी भी कुछ किसान जो लगा रहे हैं और काफी क्षेत्र है इनका भी किस्मों का जो लगा सकते हैं,
तो पूसा अरहर 16 में कंपेयर करके अब थोड़ा सा देरी की तरफ जा रहे हैं, तो पूसा अरहर 16 एक किस्म है जिसको अभी लगा सकता है। इसके अलावा जो अन्य दलहन वर्गीय फसलें हैं, जैसे मूंग की बात करें या उड़द की कर लें, तो उनका अभी हमारे पास समय है, क्योंकि मूंग उड़द ये सारी 60 से 70 दिन में पकने वाली किस्में हैं। हमारे पास पूसा मिसाल है, ऐसे मूंग ये किस्में हैं जो अभी मूंग की लगा सकते हैं। उड़द की पंत उड़द 20 है, पंत उड़द 35 है, तो ये अभी इनकी बुआई का, मूंग उड़द की बुआई का बिल्कुल उचित समय है। इसके अलावा लोबिया की भी और गुआर की भी अभी बुआई कर सकते हैं। गुआर की हम बात करें तो अभी जो किस्में हैं उसमें RBC 1000, RBC 936 है, RBC 1003 है, तो ये किस्में हैं जिनको अभी आप लगा सकते हैं और बहुत लेट में बुआई का उचित समय है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हेलो किसान में। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, किसान भाई हैं जगदीश चंद्र जी, फतेहाबाद हरियाणा से। जगदीश जी आपको नमस्कार, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी 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 हमारे साथ डॉक्टर अक्ष सिंह साहब जुड़े हुए हैं, जो आपके, हाँ जी, आपके सवाल का वो जवाब देंगे, आप जवाब सुनिए। जी प्रश्न एक बार दोहराएंगे सर, अनार के जो दाने हैं वो पक जा रहे हैं और पक के फट जा रहे हैं, जैसा मैं पीछे आवाज सुन रहा था उसमें हमको लगता है हरियाणा से फोन करना है। जी जी जी, तो एक्चुअली क्या है, अनार में अगर देखें तो जो उसकी क्वालिटी डेवलपमेंट होने के लिए कलर या जो फल फटने की बात कर रहे हैं, कलर उसमें अच्छा नहीं बन रहा है, उसमें कई बार होता है कि इसमें फल और फूल जो है जो साल में कई बार आते रहते हैं। तो जो हमारे उत्तर भारत के राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है या हरियाणा है, वहाँ पे हमेशा जो फल लेने के लिए सलाह दी जाती है वो दिसंबर जनवरी या जाड़े की फसल होती है। जो इस समय फल लग रहे हैं उसमें ये समस्या आएगी, उसमें कलर नहीं बन पाएगा, क्योंकि कलर बनने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर और एक ह्यूमिडिटी चाहिए जो कि अपने इस एरिया में नहीं हो पाती है। इसलिए अगली बार से इनको सलाह दी जाती है कि जो क्रॉप रेगुलेशन या बाहर नियंत्रण की जो बात है वो जो जाड़े की फसल है अगर उसको लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा जो फल फटने की एक प्रमुख वजह है उसमें पानी का अनियंत्रित यूज है, इसीलिए ड्रिप इरीगेशन की सलाह दी जाती है। उससे जो एक रेगुलेटेड पानी है पौधों को उचित मात्रा में नमी मिलती है जी। तो ये फल फटने की समस्या कम होगी। दूसरा है इसमें बोरान और जिंक का स्प्रे भी कर सकते हैं, बोरान लगभग 5 ग्राम/लीटर में, प्लस जिंक जो है 5 ग्राम/लीटर, दोनों को 1 लीटर पानी में मिला के अगर 2 बार स्प्रे करें तो काफी इससे निजात मिल सकती है। दूसरा है कि क्रॉप रेगुलेशन अभी हम आगे चर्चा करेंगे, उसकी जानकारी देंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो अगली बार जब इनको फल लेने की सलाह दी जाती है वो जाड़े की फसल है, हरियाणा में तो ज्यादा अच्छा है। जी बहुत बढ़िया,
ठीक है डॉक्टर साहब, और जो आपने क्रॉप रेगुलेशन की भी बात बताई तो हम वहाँ अभी ये भी हम चाहेंगे कि आप इसको चर्चा को जारी रखें, जो क्रॉप रेगुलेशन है वो और विस्तार से अगर आप बता पाए तो और हमारे किसान भाइयों को फायदा होगा। जी, जैसा कि अनाज जो है अगर इसमें पानी और खाद प्रॉपर मिलती रहे तो साल में इसमें फूल और फल हमेशा आते रहते हैं जी, लेकिन जैसा मैंने बताया कि इसमें पूरे साल में एक बार फल लेने की सलाह दी जाती है जी, और वो तब दी जाती है जब एक प्रॉपर टेम्परेचर मतलब 25-30 डिग्री का टेम्परेचर हो, खुला वातावरण हो जी, वातावरण में नमी अच्छी हो, ये मौसम चाहिए अनाज को पकने और उसमें कलर लाल कलर डेवलप होने के लिए, जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे आती है। जैसे उत्तर भारत की अगर बात करें तो आपको जून जुलाई में फ्लावर आए और दिसंबर से लेकर मार्च तक इसकी फ्रूट की हार्वेस्टिंग हो, इसी तरह महाराष्ट्र में जैसे वहाँ पे जनवरी फरवरी का जो फूल है वो जून जुलाई अगस्त तक फूटे रहते हैं। इसको नियंत्रित करने के लिए, कहने का मतलब है कि प्लांट को फोर्सफुली एक रेस्ट पीरियड में ले जाने के लिए कुछ केमिकल का स्प्रे करना पड़ता है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है इथ्रेल, एक दवाई आती है इथ्रेल 2.5 ml, 1 लीटर पानी में उसका उस मात्रा में छिड़काव करें जी। और जब भी रेस्ट पीरियड, जैसे अभी हरियाणा की बात हो रही थी या राजस्थान या उत्तर भारत के अंदर राज्यों की बात करें, तो इसमें जो है आपके जुलाई अभी जो सीजन चल रहा है इस समय आप इस दवाई का स्प्रे करें, जिससे कि आप देखेंगे 2-3 दिन के अंदर सारे पत्ते गिर जाते हैं जी। उसके बाद इसमें जो भी फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड बोला जाता है उसको फर्टिलाइजर की डोज डालने के बाद फिर नियमित पानी देना शुरू करें, जिससे कि आप देखेंगे कि अगस्त के आसपास इसमें फूल आना शुरू हो जाएगा, और जो अगस्त में फूल आएगा वो जाके 5-6 महीने का टाइम लेने के बाद दिसंबर जनवरी में इसमें फल अच्छी क्वालिटी के पूरे लाल चमकीले कलर के फल बनेंगे। तो ये कुल मिला के बाहर नियंत्रण इसमें आवश्यक है, और ये इसलिए किया जाता है कि आपको साल में एक बार ही फल अच्छी क्वालिटी का लिया जा सके जी। और हम अब दलहनी फसलों की ओर रुख करते हैं। डॉक्टर बाना, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो अंकुरण की समस्या है दलहनी फसलों में, जो हम चर्चा कर रहे थे कि अभी जो ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनकी बुआई अभी की जा सकती है, उसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो अंकुरण की समस्या है उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। दलहन वर्गीय फसलें जो है अनुमान देखने में आता है कि अंकुरण की बड़ी समस्या आती है, शुरुआती अवस्था में अंकुरण ठीक तरीके से नहीं हो पाता जी, ये भी अंकुरण नहीं हो पाता है तो काफी जो पौधों की संख्या पॉपुलेशन जिसको बोल सकते हैं वो कम हो तो हमारे उत्पादन में भी विपरीत रूप से प्रभाव पड़ता है। तो इसका सबसे बड़ा ध्यान रखने का है कि मृदा में उपयुक्त नहीं हो, न तो बहुत गीली मिट्टी में बुआई करनी है और न बहुत सूखी मिट्टी में बुआई करनी है। आप खेत में जाए बरसात होने की 2-3 दिन के बाद बुआई करने का उचित समय होता है, ये आप हाथ से एक ढेला बनाए और ये ढेला अपने आप नहीं टूटे, पर थोड़ा सा यदि फोर्स लगाए तो टूट जाए तो ये समझना चाहिए कि बुआई की उचित अवस्था है, और उस समय यदि बुआई करते हैं तो सर्वाधिक अंकुरण होता है। दूसरा ये होता है कि दलहन वर्गीय फसलों में धूम आदि लगने से कई बार बीज भी खराब हो सकता है, तो ये जरूर याद रखें बुआई से पूर्व बीज का ठीक से निरीक्षण करें, उचित किस्म का बीज लें, और जो विश्वसनीय संस्थान है जैसे कि बच्चे के बीज निगम है या राष्ट्रीय बीज निगम है या कृषि विश्वविद्यालय संस्थान है, इनसे आप बीज खरीदें ताकि बीज की गुणवत्ता है वो सुनिश्चित रहे, उस पर विश्वास रहे। यदि आप बाजार से भी बीज खरीदते हैं तो उसका पक्का बीज जरूर लें ताकि कोई अनुमानित घटना हो जाए तो उस दशा में ये काम में आ सके। तो बीज की गुणवत्ता का ध्यान रखें और पर्याप्त मृदा नहीं हो, बहुत सूखी मिट्टी में और बहुत गीली मिट्टी में बुआई नहीं करनी है, उपयुक्त पानी में यदि बुआई करते हैं तो ठीक परिपक्व प्रकार से अंकुरण मिल पाता है, और दलहन वर्गीय फसलों में इसका हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि उचित नमी हो बीज जी जी। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक किसान भाई जुड़ चुके हैं बालागीर उड़ीसा से, गोपाल जी। गोपाल जी, आपको नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए। जी गोपाल जी, बालागीर उड़ीसा से पूछ रहे हैं कि अनार में काले धब्बे आ जाते हैं, डॉक्टर जी, डॉक्टर अक्सिन साहब जी, ये जो एक तरह का फंगस की बीमारी की वजह से होता है जी, और इसमें इसकी रोकथाम आराम से की जा सकती है, उसके लिए आपका जो बेवेस्टीन दवाई है मेम्पोजेब 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करें तो उसको निजात मिल सकती है। दूसरा है कि जैसे जो उड़ीसा का क्षेत्र है थोड़ा सा नमी वहाँ पे ज्यादा है जी, तो कई बार किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि आजकल एक ग्रो कवर जो जिसको
पॉलीप्रोपाइलीन सीट होती है जी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सीट होती है व्हाइट कलर का, इसको भी यूज करें तो आप फंगल जो डिजीज है उनको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी आपके फंगीसाइड बताए गए हैं, जैसे वेरोस्टिन है इसका 1 ग्राम पर लीटर, माइकोजेट 2.5 ग्राम पर लीटर, या फिनोफिलिन जो आती है उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा है नीम गैस प्रोडक्ट काफी है, जैसे निमिसिलिन है या सिंपल नीम ऑयल है जी, उसको 5 ml/L के हिसाब से आप स्प्रे करें तो इसको काफी हद तक कम कर सकते हैं जी। बहुत बढ़िया। तो और डॉक्टर साहब, अभी इस सवाल से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे सर, दलहनी फसलों से जुड़ी हुई जो उसमें अंकुरण की समस्या से आपने बात बताई, और उसके बीजोपचार से जुड़ी भी कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे। यदि आपने बीज खरीदा है बाजार से या कृषि विश्वविद्यालय से या किसी संस्थान से, तो ज्यादातर संभावना होती है कि बीज उपचारित भी आता है और उसके पैकेट पर लिखा हुआ है कि ये बीज उपचारित है या नहीं है। यदि आप घर का बीज उपयोग करते हैं तो बीज को जरूर उपचारित करें। उपचार करने का सबसे बड़ा तरीका है, एक पद्धति है, सबसे पहले कवकनाशी से बीज को उपचारित करना है और उसके बाद जो इंसेक्टिसाइड है उसको उससे जो कीट मारने की दवाई होती है कीटनाशी उससे उपचारित करना, और अंत में राइजोबियम कल्चर और एक पीएस भी कल्चर आता है उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करना चाहूंगा। पर जो कवकनाशी है उसका उपयोग हम इसलिए करना है कि कम मात्रा में रसायन के प्रयोग से हमारी फसल बीमारियों से मुक्त रह सकती है जी। और उसके लिए जैसे कि कैप्सूल में भी बताया गया था कि कार्बन जो दवाई है उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से यदि आप बीज के साथ मिला देते हैं जी, तो आपकी जो फसल है वो रोग मुक्त रहती है शुरुआती अवस्था में विशेषकर। और जैसे कि अलग वर्गीय फसलों में उगते की भी कई बार समस्या आती है, तो उगता जैसे रोगों से बचाव का सबसे आसान तरीका है कम खर्चे में और कम रसायन के प्रयोग से फसल को आप बीमारियों से बचा सकते हैं। उसके अलावा कुछ क्षेत्रों में जैसे दीमक हो गई या बंदे का हो गया है, इस तरह के कीट और रोगों की समस्या आती है, तो उसके लिए जो कीटनाशी है इंसेक्टिसाइड उसका भी प्रयोग करना जरूरी है। उसके लिए दीमक के लिए आप क्लोरोपाइरीफॉस प्रयोग कर सकते हैं या आजकल एक दवाई आती है इमिडाक्लोपिड, तो इन दवाओं का 5 से 7 ग्राम दवा इमिडाक्लोपिड या क्लोरोपाइरीफॉस प्रति किलो बीज की दर से अगर आप उपचारित कर देते हैं बीज को, उसके बाद बीज को सर्च में सुखा लीजिए और फिर उसके पश्चात जो जीवाणु खाद्य है जैसे कि राइजोबियम कल्चर है, जैसे जो पीएच डी कल्चर भी आजकल किसान काफी यूज करते हैं, वो बड़ी फॉस्फोरस को घोल के और पौधों को उपयोग करा देती है, तो उसका जरूर आपको उपयोग करना चाहिए। तो जो क्रम है वो उसका विशेष ध्यान रखें, सबसे पहले कवकनाशी, उसके बाद कीटनाशी और लास्ट में जीवाणु खादों से बीजों को उपचारित करें, ताकि हमारी फसल कीटों से रोगों से मुक्त रहे। और जीवाणु खादों से जो उपयोग करते हैं उसका यह फायदा होता है जैसे कि राइजोबियम से उपचारित किया तो आपके पौधों की नाइट्रोजन योगीकरण की क्षमता बढ़ जाती है, और फॉस्फोरस स्टेबलाइजिंग बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं पीएस डी कल्चर जो आजकल फेमस हो रही है, उसका उपयोग करने से जो पहले की फसल में हमारी डीएपी या सिंगल सुपर फॉस्फेट से डी फॉस्फोरस पड़ी रहती थी जी व्यवस्था में, वो घुलनशील हो जाती है और हमारी फसल को मिल जाती है। तो डॉक्टर साहब जी, हम चर्चा आगे जारी रखेंगे दलहनी फसलों से जुड़ी हुई और अनार की खेती से जुड़ी हुई। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद हेलो किसान में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं दलहनी फसलों की खेती और अनार की खेती से जुड़ी हुई। हमारे साथ डॉक्टर अक्त सिंह मौजूद हैं और अक्त जी से हम चर्चा कर रहे हैं अनार की खेती के बारे में। डॉक्टर अक्त जी, जो आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी उसमें जल प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने हमको संक्षेप में बताया। हम और विस्तार से जानना चाहेंगे अनार की खेती में जल प्रबंधन के बारे में। जी, जैसा अगर अनार की खेती के क्षेत्र को देखा जाए तो ये ज्यादातर आपके जो ड्राई एरियाज हैं, सेमी एरिड एरियाज हैं, वहाँ पे इसकी खेती हो रही है। और ऐसी एरिया में अगर आप देखें तो पानी पहले से कम है और पानी की जो गुणवत्ता है इन टर्म्स ऑफ आप पीसी देखें या साल्ट कंसंट्रेशन देखें तो ये भी बहुत ज्यादा है और जगह जगह पे ये काफी वैरी करता है। ऐसे केस में जो सिंचाई है, क्योंकि अनार ऐसी फसल है जिसमें सिंचाई का बहुत बड़ा रोल है, ये इरिगेटेड क्रॉप है और इसमें पानी एक नियमित अंतराल पे बहुत जरूरी है इसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए। लेकिन जहाँ तक किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि हमेशा ड्रिप इरिगेशन का यूज करें। ड्रिप इरिगेशन अगर आप देखें तो स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र सरकार की बहुत सारी स्कीम भी है जिसपे सब्सिडी है और ड्रिप का यूज करने से न केवल पानी की बचत होती है बल्कि 25-30% अगर आप देखें यील्ड भी बढ़ती है और उपज की गुणवत्ता भी काफी अच्छी होती है। दूसरा, मैं जैसे आप जल प्रबंधन की बात की जिसमें मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपको यहाँ पर रोकूं और एक हमारे किसान भाई जुड़ चुके हैं, मैं आपके पास आऊंगा फिर अभी इस सवाल के बाद। हमारे साथ अनिल जी जुड़ चुके हैं, अनिल शुक्ला जी सुल्तानपुर से। अनिल जी, आपका स्वागत है, आप सवाल पूछें। जी जी अच्छा, उसमें बिल्कुल भी जमाव नहीं हुआ। अच्छा, उसमें आप चेक कर रिएक्शन करें, अभी 3 जुलाई को 6 दिन हो चुके हैं, बहुत पपड़ी तो नहीं बनी हुई, काफी स्ट्रॉन्ग थी वहाँ पे मिट्टी की, आप एक बार जाके खेत में देखें और बहुत यदि स्ट्रॉन्ग पपड़ी हो तो उसको थोड़ा सा खोद कर देखें यदि बीज का क्या स्थिति है, बीज अंकुरित हो चुका होगा और यदि वो उस पपड़ी के नीचे दब कर और मर गया तो उस दशा में तो क्योंकि पानी ज्यादा भर गया होगा तो निश्चित रूप से अच्छा पानी भरा नहीं है तो उसमें यही संभावना है कि वो जो आपके हार्ड पपड़ी बन जाती है। यदि अभी आपके पास उसको पपड़ी का तोड़ने का कोई उपाय हो या जैसे कि मेरा गुड़े टेप का या फिर आपके सिंचाई का जो हमारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो या आजकल में यदि बरसात हो जाती है तो आप 1-2 दिन इंतजार कर लीजिए और उसके बाद ये भी अच्छा तो निरंतर बरसात होने से ये हो सकता है कि बीज उगते समय बरसात हो गई और वो बीज सड़ चुका होगा तो आपको उस केस में तो आपको दोबारा से बुआई करनी पड़ेगी क्योंकि यदि बिल्कुल भी अंकुर नहीं हुआ है तो हम उस फसल को रखने से कोई फायदा नहीं है। तो अभी भी आप कुछ कम अभी पूसा बाहर आपने जैसे कि बताया ली है यदि पूसा 18-16 का यदि आपको बीज मिल जाए तो अभी भी आप की बुआई कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे ऑप्शन आपको चाहिए हो तो दूसरे भी विकल्प हैं। यदि दलहन की फसलों में आप बात करें तो यदि दोबारा बुआई की स्थिति है तो मूंग और उड़द आपके पास बहुत अच्छे विकल्प हैं जिनकी आप अभी भी बुआई कर सकते हैं और काफी समय तक बुआई है और जो रबी की फसल है उसमें भी देरी नहीं होगी। अगर अनार की बुआई करनी है तो उस दशा में जो पूसा 16 है या पूसा 1 बिल्कुल, और अपना जो बीज है वो भी एक बार चेक कर लें जैसा आपने सुझाव दिया तो उस बीज को की जांच करने से भी आपको पता लग जाएगा कि बीज जो है वो मर चुका है या उसमें अभी कुछ जान बाकी है। जी जी, और हम इस प्रश्न से पहले चर्चा कर रहे थे डॉक्टर अक्त सिंह साहब से अनार की जल प्रबंधन से जुड़ी हुई। जी डॉक्टर साहब। जी जैसा मैं बोला था कि आपको सिंचाई के साथ साथ वर्षा जो जल संरक्षण है या वाटर मैनेजमेंट वो एक बहुत बड़ा इश्यू है क्योंकि अगर अनार में देखें
तो लगभग 4 से 5 महीने की फसल है और हर तीसरे चौथे बीच में सिंचाई की जरूरत पड़ती है जी। तो इस तरह से आप देखते हैं 30 से 35 सिंचाई की जरूरत है और जहाँ तक इसकी खेती देखे तो ज्यादातर सूखा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर होती है। तो हम लोगों ने अपने काजरी इंस्टीट्यूट में भी एक बहुत अच्छा उस पर एक मॉडल डेवलप कर रखा है जिसमें कि हमारा आइडिया था कि जो हमारे मझोले किसान हैं 100 से 200 300 पेड़ अनार की खेती करना चाहते हैं उनके पास पानी बहुत अच्छा नहीं है, गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है, ऐसे किसान अनार की खेती में कैसे जा सकते हैं प्रॉपर जल संरक्षण करके। इसमें पूरे अनार की अनार का जो फील्ड है वहाँ का पानी ही इकट्ठा करके वर्षा का जो पानी इकट्ठा करके एक फार्म पॉइंट में इकट्ठा कर लें और उसको फिर वापस सोलर बेस्ड जो ड्रिप इरीगेशन सोलर से संचालित होने वाला ड्रिप इरीगेशन है उसको वापस ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करें। और हम लोगों ने ये देखा कि जहाँ तक अगर जोधपुर में देखें तो करीब 50 से 80 mm बारिश एक बार 2-3 बार की बारिश में लगभग 2 लाख लीटर पानी हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया उसमें फार्म पॉइंट में और उसको लगभग हमने 80% जो पानी है जो डिमांड है खराब की वो पूरी कर पाए। इसके जो फायदा है एक तो पानी की आप बचत कर रहे हैं, दूसरा अगर पानी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो उस केस में भी आप पानी इसको मिक्स करके यूज कर सकते हैं, दूसरा क्योंकि इसमें सोलर अपन यूज कर रहे हैं तो इसमें सोलर अगर देखें तो आप किसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है या इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है वो भी किसानों का काफी बच रहा है। और इसमें इस पूरे मॉडल में अगर एक खूबी देखी जाए तो राज्य या केंद्र की कोई न कोई स्कीम हर क्षेत्र में है, चाहे वो कंपाउंड पे हो, रेडिएशन पे हो, कुसुम योजना देखिए सोलर की है, ये सारी योजनाओं को एक समन्वित करके जो ऐसे किसान जिनके पास उचित संसाधन नहीं है चाहे पानी का हो या इलेक्ट्रिसिटी का है, ऐसे किसान भी जो नकदी फसल है जैसे अनार की खेती है इस तरह की खेती कर सकते हैं। और खास करके अनार की खेती में अगर देखें तो इसमें बारिश के बाद क्योंकि जुलाई तक आपको पानी की जरूरत नहीं है और सितंबर से लेकर दिसंबर तक पानी की जरूरत है, उस समय पानी का जो वाष्प बन के या भाप बन के उड़ने की जो लाश है वो भी काफी कम रहता है। इस तरह से आप बहुत समन्वित तरीके से अनार की खेती कर सकते हैं वर्षा जल संरक्षण करके ड्रिप के माध्यम से जी। बहुत अच्छा, बहुत विस्तार से आपने जल प्रबंधन की जानकारी दी और मुझे लगता है कि ये हमारे किसानों को सीधे से लाभ मिलेगा। डॉक्टर बाना से हम चर्चा कर रहे थे दलहनी फसलों से जुड़ी हुई और डॉक्टर साहब जो जीवाणु खादों का प्रयोग है वो भी बहुत सामने आ रहा है, तो जीवाणु खादों के प्रयोग से किस तरह अपने खेत को उपचारित करना चाहिए? दलहन वर्गीय फसलों में जीवाणु खादों की अगर बात करें तो हर जो राइजोबियम जीवाणु खाद हर फसल के लिए अलग आएगी, सोयाबीन के लिए अलग आएगी, अरहर के लिए अलग आएगी, मूंग उड़द वर्ग के लिए अलग आएगी, लोबिया के लिए अलग आएगी, तो उस फसल की ही राइजोबियम कल्चर आप करेंगे। राइजोबियम कल्चर के अलावा जो अन्य जीवाणु खाद है उनका भी मैं अपने किसान भाइयों और किसान बहनों को बताना चाहूंगा कि वो भी जरूर प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। उसमें फॉस्फोरस बोलक बायोफर्टिलाइजर आता है, तो पीएसबी कल्चर जिसको बोलते हैं, इसके अलावा यदि आपको सूक्ष्म तत्वों की कमी है तो उनके लिए भी अब जीवाणु खाद विकसित हो चुकी है, जैसे कि जिंक की जहाँ कमी है, सस्ते की कमी है, वहाँ जिंक सोलिब्लाइजिंग बायोफर्टिलाइजर भी आते हैं। इनका उपयोग करने का तरीका बड़ा आसान है, आप एक लीटर पानी ले लीजिए और उस पानी में 100 ग्राम के आसपास गुड़ ले लीजिए और गुड़ को फोड़ कर पानी में मिला लीजिए और पानी को उबाल लीजिए और जब पानी लगभग आधा हो जाए और उसके पश्चात उस घोल को उतार लीजिए और घोल को पूरी तरह ठंडा कर लीजिए। ये जरूर ध्यान रखें कि घोल पूरी तरह से ठंडा हो जाए, उसके बाद ही जीवाणु खाद जो आप पैकेट लाते हैं आजकल तो लिक्विड भी आने लगे हैं, पर जो पहले आते थे कोयले वाले वो जो अभी भी काफी प्रसिद्ध है, तो उसको आप जीवाणु खाद को जब घोल पूरी तरह से ठंडा हो जाए उसके बाद मिला लें और अच्छी तरह से गुड़ में घोल लें तो ताकि वो जो गुड़ के साथ चिपक जाएगा और शुरुआती अवस्था में जीवाणु को कुछ जिंदा रहने के लिए एक अच्छा उपयुक्त माध्यम मिल जाएगा। तो उसको बीज के ऊपर बिखेर डाल दें, अच्छे से बीज पे मिला दें और बीज के ऊपर एक आवरण बना दें, कोट बना दें जीवाणु खाद का, और उसके पश्चात जीवाणु खाद को जीवाणु खाद वाले जो बीज है उसको छायादार स्थान पर सुखा दें। ध्यान रहे कि धूप में सुखाने से भी काफी जीवाणु मर जाते हैं, तो छायादार हवादार स्थान पर सुखा के और शाम के समय दिन के समय बुआई करें, उससे क्या होगा जो लाभ है वो बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि जो 20 से 30 रुपए का पैकेट आता है सामान्य जीवाणु खाद का और नाइट्रोजन
वाला जो जोड़ का है जो बीज उसका 20 रुपए के ग्राम का उससे आपको 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगी जो कि यूरिया से देखते हैं तो आपको काफी महंगी पड़ती है। तो ये सस्ता और सुगम है। ऐसे ही फास्फोरस का जो गोलक है जो हमारे खेतों में क्या होता है फास्फोरस बड़ी होती है कार्बोनेट की व्यवस्था में जो पिछले साल हमने SSP या DAP डाला होगा उसकी बड़ी रहती है तो एम्बुलेंसील अवस्था में रहती है। तो घुलनशील बनाने के लिए जरूरी है कि कुछ ऐसे जीवाणु खादों का उपयोग कर लें बीज उपचार के साथ ताकि वो जो एम्बुलेंसील फास्फोरस है वो घुलनशील बन जाए। तो जी जी तो उसमें भी वही लगभग 20 से 30 रुपए के पैकेट में और आपको 15 से 20 किलोग्राम फास्फोरस घुलनशील बन जाती है जो कि आप यदि DAP खरीदते हैं तो बहुत बहुत उपयोगी जानकारी यहाँ दे रहे हैं डॉक्टर साहब। आप जो जीवाणु खादों से जुड़ी हुई जो आपके खेत में आप उसी को कन्वर्ट कर सकते हैं जो उपस्थित है आपकी मिट्टी में तो ये बहुत उपयोगी जानकारी है और मुझे लगता है कि इसको और इस पर चर्चा की जरूरत है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं शैलेंद्र प्रताप जी मुरैना मध्य प्रदेश से। शैलेंद्र जी आपको नमस्कार, आप सवाल पूछिए। जी 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 डॉक्टर अक्त सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब अनार से जो इन्होंने सवाल किया ये मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं और अनार के फूल भी कम मात्रा में आए हैं और झड़ भी जाते हैं तो इसका क्या ये रोकथाम कर सकते हैं इसके लिए? जी जैसा भी जो अपन अनार की चर्चा में बाहर नियंत्रण की बात कर रहे थे जी। उसी पे मैं वापस जाना चाहूंगा। मध्य प्रदेश भी आपकी इसी इलाके में ऐसा है जहाँ पे कि आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि आप जुलाई के बाद जो फूल आ रहा है जुलाई अगस्त में उसको लें। तो अभी मैं सलीम जी को ये सलाह दूंगा कि जो भी फूल या फल आए हैं कम मात्रा में आए हैं तो अच्छी बात है और अभी जुलाई 20-25 के आसपास जो मैंने दवाई बताई थी 2.5 ml प्लस उसमें 0.5234 नोट कर लें 0.5234 NPK का ग्रेड आता है 2.5 से 3 ग्राम वो भी मिला लें 2.5 ml बिथरेल प्लस 2.5 ग्राम 0.5234 खाद है उसको 1 लीटर मात्रा के हिसाब से मिला लें और ये रेशियो आप यूज करें और 25 जुलाई के आसपास आप पौधे पे स्प्रे कर दें। और अगर अभी आप पानी दे रहे हैं तो पानी बंद कर दें जिससे कि प्लांट सुप्तावस्था में चला जाए गर्मी कंडीशन में हो। उसके बाद इस दवाई का स्प्रे करने के बाद 4 से 5 दिन के बाद इसमें आप देखेंगे कि सारे पत्ते और फूल गिर गए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है इसका मतलब आपकी दवाई जो है काम कर रही है। उसके बाद इसमें जो भी खाद और उर्वरक आपको बताई गई होगी आपके नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से और अगर नहीं होगी तो अगर टाइम मिलेगा तभी हम लोग चर्चा करेंगे उस मात्रा में खाद और उर्वरक मिला के 2-3 दिन तक रुकने के बाद फिर आप वापस उसमें हल्की सिंचाई शुरू करें और नियमित अंतराल की सिंचाई करते रहें। आप देखेंगे अगस्त के बाद उसमें बहुत अच्छे फूल एक साथ फूल आएंगे और उसमें जो फल बनेगा वो जाके दिसंबर जनवरी में हार्वेस्ट होगा और वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो हमको लग रहा है कि अभी आपका जो फसल है वो क्रॉप रेगुलेशन के हिसाब से जैसे सटीक क्रॉप सीजन है वो नहीं पकड़ पाए हैं इसलिए आप अभी जुलाई 25 के आसपास दवा जो बताया उसका स्प्रे करके वापस इसमें फूल लाने की कोशिश करें। जी बहुत अच्छी जानकारी और बहुत विस्तार से जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने और अब वक्त हो चला है हेलो किसान में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके तमाम सवाल दलहनी फसलों से जुड़े हुए और अनार की खेती से जुड़े हुए उनका हमें इंतजार रहेगा। आप टोल फ्री नंबर के जरिए सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में आप सभी का। हम ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे अनार पर और दलहनी फसलों पर भी हमारे पास अभी कुछ सवाल बाकी हैं, तो बहुत संक्षेप में क्योंकि समय अब कम बचा है, तो डॉक्टर साहब बहुत संक्षेप में मैं जानना चाहूंगा कि जो पोषक तत्व प्रबंधन है दलहनी फसलों का उसमें और जो हमारे खर पतवार का प्रबंधन है, दोनों के लिए आप बहुत संक्षेप में हमें बताएं। दलहन वर्गीय फसलों में यदि पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मिट्टी की जांच जरूर करा सकते हैं और उसके अनुसार ये पोषक तत्वों का उपयोग करें। अगर मिट्टी की जांच नहीं भी करा सकते हैं तो उस दशा में जो दलहन वर्गीय फसलें हैं उनमें मुख्यतः 20 किलोग्राम नाइट्रोजन यूरिया के द्वारा देते हैं, बुआई से पूर्व बुआई के पश्चात नाइट्रोजन नहीं देते हैं। इसके अलावा अरहर में 40 से 50 किलोग्राम और जो कम अवधि वाली फसलें हैं जैसे कि मूंग है, उड़द है, लोबिया है, उनमें 30 से 40 किलोग्राम यदि आप पोटेशियम भी देखते हैं तो वो जो सूखे क्षेत्र है वहाँ पर काफी मदद करती है, तो 30 से 40 किलोग्राम पोटेशियम भी बुआई से पूर्व दे दें। जिंक की कमी वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर 20 से 25 किलोग्राम जस्ता प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग किया जा सकता है। खरपतवारों की अगर बात करें तो दलहन वर्गीय फसलें चूंकि कम ऊंचाई तक बढ़ती है अरहर को छोड़ के, तो उनमें खरपतवारों का प्रकोप काफी हो जाता है, तो इसके लिए जरूरी है कि शुरुआती स्तर में ही खरपतवार नियंत्रित हो जाए। उसके लिए यदि रसायनों का उपयोग करना चाहते हैं तो पैनिकालीन जो सातवासी है उसका उपयोग करें से जिससे कि खरपतवारों का जमाव नहीं होगा, और जब फसल 20-25 दिन की अवस्था की हो जाए तब एक बार हाथ से मिलाई गुड़ाई कर दे तो और भी अच्छा है, उसके क्या खरपतवार को नियंत्रित होंगे। साथ में जो जड़ों में वायु संचार बढ़ने से क्या होता है कि जो जीवाणु होते हैं सहजीवी जीवाणु होते हैं उनकी संख्या बढ़ने से जो फसल फसल का अच्छा होता है और जड़ों की वृद्धि होने से फसलों की सूखा सहने की क्षमता बढ़ जाती है और जो उत्पादन है उसमें हमें काफी मदद मिलती है। तो इस तरह से खरपतवार और पोषक तत्व प्रबंधन आप करते हैं तो आप दलहनी फसलों का अच्छे से आप उत्पादन ले सकते हैं। जी, और अनार में डॉक्टर आख सिंह हम आपसे जानना चाहेंगे जो रोग प्रबंधन है उससे जुड़ी हुई जानकारी आप हमें संक्षेप में दें। रोग की अगर बात की जाए तो इसमें कई तरह के फंगल स्पॉट प्लस फ्रूट फ्लाई और कई इलाके में बैक्टीरियल ब्लाइट, ये तीन प्रमुख बीमारी है। अगर जहाँ तक बात करें फंगल स्पॉट या फ्रूट फ्लाइट की जी, तो इसमें जो आम प्रचलन में फंजीसाइड है जैसे कार्बाडेंजिन है, मैंगोजेब है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, थायोफिनेट मिथाइल है, ये तीन रेगुलर आप यूज करें तो आप इसको काफी रोकथाम कर सकते हैं। जहाँ तक बैक्टीरियल ब्लाइट की अगर बात करें तो बैक्टीरियल ब्लाइट एक ऐसी बैक्टीरिया से होता है जी, और ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ में हवा के माध्यम से इन्फेक्टेड पौधों के माध्यम से आता फैलता है। तो इस तरह से जैसे मैं शुरू में बोला कि जब भी प्लांट लगाए तो डिजीज भी होना चाहिए, डिसइंफेक्ट करके लगाएं। दूसरा, अगर उसमें अगर आपको सिम्टम दिख रहे हैं तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 5 ग्राम 10 लीटर में उसके साथ में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम पर लीटर इसका रेगुलर आपको 15 से 20 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहना चाहिए और इस तरह से आप इसको बीमारी को बचा सकते हैं। दूसरा, जहाँ तक इंसेक्ट की अगर बात करें तो फूड बोरर और थ्रिप्स दो बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट हैं जिसपे किसान भाइयों को अवश्य ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपके इकोनॉमिक क्लास या जो यूँ कहें कि जो बाजार भाव इनको कम मिलता है इकोनॉमिक क्लास डायरेक्ट होता है। तो फूड बोरर के लिए आप फ्रूट को तोड़ दें या नीम प्रोडक्ट सबसे यूजफुल है, चाहे नींबे से नीम ऑयल हो उनका 5 ml/L के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। और दूसरा मेलाथियन या मेथोमाइड, ये भी बहुत अच्छी दवाई है, 1 ml/L के हिसाब से आप 2 से 3 बार स्प्रे करें तो फिर बोरर को रोक सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम का समय क्योंकि समाप्त हो रहा है तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा डॉक्टर आख सिंह साहब और डॉक्टर बाना आप दोनों को कि आपने समय निकाला और तमाम सारे सवालों का जवाब दिया। और डॉक्टर आख सिंह आपको भी धन्यवाद और डॉक्टर बाना आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम समय हो चुका है आपको कल के विषय बताने का। जो कल के विषय हैं वो आप नोट कर लें, प्याज एवं लहसुन की खेती और आंवला की खेती। इन विषयों से जुड़े आप अपने तमाम सवाल जिज्ञासाएं आप हमको ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप हमसे फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक में आपको टाइप करना है हेलो किसान और आप फेसबुक के माध्यम से सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। और जो हमारा टोल फ्री नंबर है
उसके माध्यम से भी आप हमको फोन कर सकते हैं। हमारे कॉल सेंटर का नंबर है 1800-1130-60, जो सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। आप अपनी जिज्ञासाएं, जिन विषयों पर आप हेलो किसान में प्रश्न करना चाहते हैं, क्योंकि आप ही के प्रश्नों से कई किसानों को बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं और खेती की दशा तय होती है, क्योंकि जब वैज्ञानिकों के सुझाव आप अपने खेतों में अमल करते हैं तो न केवल आपका उत्पादन बेहतर होता है बल्कि आपकी मिट्टी, आपके फसल की गुणवत्ता सभी कुछ प्रभावित होती है। तो सवाल पूछते रहिए और अपनी जिज्ञासाओं को, अपने जिन विषयों पर आप चर्चा करना चाहते हैं उनसे भी हमें अवगत कराते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।